दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, हम हमारी कंपनी में हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम सैलरी के दो लेजर क्रिएट करते हैं, एक सैलरी पेड अकाउंट और एक सैलरी पेबल अकाउंट। तो दोस्तों सैलरी पेड अकाउंट और सैलरी पेबल अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है और सैलरी पेबल अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत हमें कब पड़ती है, अगर जरूरत पड़ती है तो सैलरी पेबल अकाउंट की प्रैक्टिकल एंट्री हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें आज हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल रहने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक देके जरूर जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ में ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सैलरी पेड और सैलरी पेबल अकाउंट्स की कहानी को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने एक लेजर क्रिएट किया है सुरेश कुमार के नाम से। तो दोस्तों सुरेश कुमार हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉई है जो कि हमारे से हर मंथ कुछ एडवांस भी पेमेंट लेता है, कुछ पेमेंट कम भी लेता है। तो जैसे जैसे लेता जाता है हम उसके अकाउंट में डेबिट करते रहते हैं, लेकिन मंथ एंड पर हम उसकी एंट्री है जो क्रेडिट भी करते हैं। तो उसकी एंट्री क्रेडिट करने से क्या फ़ायदा होगा, क्रेडिट करने से होगा क्या, क्रेडिट की एंट्री उसकी करेंगे क्या, किसको क्रेडिट करेंगे किसको डेबिट करेंगे, तो हम इस लेजर से अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने टैली सॉफ्टवेयर में हमने मुकेश कुमार के नाम से एक लेजर हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमने एक मैनुअल लेजर बनाया हुआ है सुरेश कुमार के नाम से, सबसे पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों ये 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से हम इसका वर्किंग कर रहे हैं। तो 1/4/2021 को सुरेश कुमार ने हमारे से 1,050 रुपये की पेमेंट ली कैश, जिसका हमने डेबिट नोट 101 जो इसके नाम से काट दिया। उसके बाद में 5/4/2021 को भी 2,500 रुपये लिए, उसके बाद में 15/4/2021 को भी 1,800 रुपये लिए, उसके बाद में 30/4 को उसकी जो सैलरी बनती है पर मंथ की 6,000 रुपये वो हमने इसके खाते में क्रेडिट कर दी। उसके बाद में कुछ पाँचवें महीने में भी कुछ पेमेंट है, छठे महीने भी है, सातवें भी है, आठवें भी, इस तरीके से हर मंथ ही हमारे से कुछ एडवांस पेमेंट है जो लेता गया और उसकी रिवर्स एंट्री भी हम साथ के साथ करते गए। तो अब इसकी हमें एंट्री टैली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार करनी है वो हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें हमारी कंपनी में सुरेश कुमार के नाम से लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने के लिए हम क्रिएट पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे और यहाँ पर हम नाम लिखेंगे सुरेश कुमार का और यहाँ पर हम ब्रैकेट में टाइप कर देंगे सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट हमने इसलिए लिखा हुआ है ताकि हमें पता लगे, क्योंकि अब सुरेश कुमार के नाम से हमारी कंपनी में कस्टमर भी हो सकते हैं तो हमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन ना हो भी हम कौन से सुरेश कुमार को सेल आउट कर रहे हैं या कोई पेमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर हिंट दे दी सैलरी अकाउंट। और उसके बाद में बारी आएगी इसकी अंडर ग्रुप की। दोस्तों अब अंडर ग्रुप इसका क्या रहेगा, अब अंडर ग्रुप हम अगर हमारे लेजर स्टेटमेंट को देखें तो लेजर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसको मतलब मंथ एंड होने से पहले कुछ पेमेंट एडवांस दे दी। तो अब इन फ्यूचर का हमें नहीं पता भी ये आगे से मरे से कंटिन्यू एडवांस लेता रहेगा या जो जितने मंथ उसकी सैलरी बनती है वो उतना ही पेमेंट हमारे से लेगा। तो ये इन फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन आज हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन हम आज जो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, यानी कि 30/4 को इनकी सैलरी मंथ कंप्लीट होता है, 30/4/2021 को 6,000 रुपये सुरेश कुमार के बनते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पेमेंट इन्होंने हमारे से एडवांस ले ली। तो हम इस लेजर के अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसका ग्रुप है जो चाहो तो आप इसका करंट एसेट्स भी हम रख सकते हैं या आप चाहो तो यहाँ पर हम लोन एंड एडवांस भी रख सकते हैं, हमारा रहेगा ये एसेट साइड में बैलेंस शीट में। अभी आगे इन फ्यूचर की बातें भी हमारे से इसका जो बैलेंस है वो कम रहेगा या फिर एडवांस रहेगा, लेकिन आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको लोन एंड एडवांसेज में रख रहे हैं, क्योंकि लोन एंड एडवांसेज का जो ग्रुप होता है वो भी एक तरीके का एसेट साइड का ही ग्रुप होता है। हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में सब कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी। अब हम लेजर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए वाउचर पर हम जाएंगे और पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डेबिट नोट हमने 101 दे दिया और इसकी जो फर्स्ट डेट है वो 1/4/2021 की है और यहाँ पर हमने सुरेश कुमार के नाम से लेजर को सिलेक्ट किया और 1,050 रुपये की एंट्री है जो कर दी कैश। और यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं भी एडवांस
सैलरी एंटर प्रेस किया। इसी तरीके से 5 तारीख में भी एंट्री है, तो हमने यहाँ पे डेबिट नोट 102 नंबर दे दिया, सुरेश कुमार के खाते में ट्रांजैक्शन है 2500 रुपये की और हमने एंट्री कर दी। इस तरीके से तीसरी एंट्री है 15/4 को और 103 नंबर वाउचर है सुरेश कुमार और उसके बाद में 1800 रुपये। और अब उसके बाद में ये जो अप्रैल मंथ है कंप्लीट हो गया, अप्रैल मंथ के बाद में 15/4 के बाद में कोई पेमेंट इन सुरेश कुमार ने हमारे से नहीं लिए, लेकिन अब 30/4 को जैसे ही मंथ कंप्लीट हुआ तो इसके 6000 रुपये बनते हैं, तो हमने इसके खाते में 6000 रुपये हमें क्रेडिट करने पड़ेंगे। अब क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे, इस बात को हम समझेंगे। तो इसके लिए हमें एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी हर मंथ एंड पे 30/4 को। तो अब डेबिट करेंगे सैलरी पेड अकाउंट को, LTC के साथ नया क्रिएट कर लेंगे लेजर हम, सैलरी पेड अकाउंट। अब ये हमारी कंपनी के लिए खर्चे हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि हमारे ये बैलेंस शीट का पार्ट है, GST इस पर एप्लीकेबल नहीं है और TDS भी इस पर एप्लीकेबल नहीं है। और डेबिट हम करेंगे 6000 के अमाउंट को और क्रेडिट किसको करेंगे, सुरेश कुमार को, सुरेश कुमार जो सैलरी का लेजर हम क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अप्रैल मंथ सैलरी डिपॉजिट। और अब हम इस मंथ का अगर इसका हम लेजर स्टेटमेंट मैच करें अप्रैल मंथ का, तो इसके लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर पर जाएंगे। तो सुरेश कुमार का लेजर हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो अभी यहाँ पर देख रहे हो भी इसका जो टोटल बैलेंस है वो 5350 रुपये अप्रैल मंथ में इन्होंने एडवांस लिए हैं और 6000 रुपये इनके मंथ एंड पर बनते हैं। तो इसका मतलब 650 रुपये इन्होंने कंपनी से कम पैसा लिया है। तो अब अभी तक इस कंपनी की अप्रैल मंथ की ये 650 रुपये की लायबिलिटी बनी हुई है। तो ये तो थी 650 रुपये अप्रैल मंथ की बात, तो अप्रैल मंथ में हम यहाँ पर भी दे सकते हैं ये 650 रुपये माइनस में आ रहा है, यानी कि ये CR बैलेंस है सुरेश कुमार का। तो इसी तरीके से जो सारी ट्रांजेक्शन है मई मंथ की, जून मंथ की, जुलाई मंथ की, अगस्त मंथ की, तो ये सारी ट्रांजेक्शन जो जो डेबिट है वो सारी के सारी ट्रांजेक्शन हम मतलब पेमेंट वाउचर में करेंगे और जो जो क्रेडिट है उसकी हम जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारी की सारी जर्नल एंट्री अब हमें 12 की एंट्री, क्योंकि 12 महीने की एंट्री है और 12 महीने की ये 12 रिवर्स एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा इसमें जो टोटल अमाउंट है वो 72000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा और जो टोटल अभी तक हमारे से पेमेंट ले लिए पूरे 12 महीने में वो 65350 रुपये। अब इसके अकॉर्डिंग 6650 रुपये इसका जो बैलेंस है वो CR यानी कि क्रेडिट में आ गया। अब ये हमारी कंपनी के लिए 31 मार्च 2022 को ये लायबिलिटी बन गई है। तो अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एंट्री हम कर लेते हैं, वाउचर पे जाएंगे हम 31/3 में एक एंट्री करते हैं पेमेंट वाइज। वैसे तो हमें ये जो ट्रांजेक्शन है वो हर मंथ करनी पड़ेगी जैसे जैसे इन्होंने पेमेंट हमारे से लिए, लेकिन हम इस वीडियो को समझने के लिए प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए हम इसकी जो डिफरेंस अमाउंट है वो हम यहाँ पर डेबिट कर देते हैं। जैसा कि अभी लेजर में हम देख लेते हैं भी टोटल 5350 रुपये की अमाउंट अप्रैल मंथ तक आ चुकी है, तो हम इसमें से 5350 है जो माइनस कर देंगे यानी कि 60000 रुपये अब हम एक एंट्री के साथ इनको डेबिट कर देंगे। और ये मान के चलेंगे भी हमने हर मंथ जैसे जैसे पेमेंट हमारे से लिए वैसे वैसे एंट्री हमने करी है, सुरेश कुमार और 60000 रुपये कैश। और इसी तरीके से जो हमारी इनकी जो रिवर्स एंट्री है 12 वो भी हमें करनी पड़ेगी हर मंथ की, जैसे कि ये एंट्री है हम इसी को कॉपी कर लेते हैं L2 के साथ और 31/5 हम डेट दे देंगे Ctrl+1 के साथ, उसके बाद में 30/6 डेट दे देंगे, उसके बाद में 31/7 हम यहाँ पे इन्हीं को कॉपी करते जा रहे हैं 31/8 उसके बाद में 30/9 इसके बाद में 31/10 उसके बाद में 30/11 उसके बाद में 31/12 और उसके बाद में 31/1 उसके बाद में 28/2 और उसके बाद में 31/3। तो इस तरीके से आप देख रहे हो टोटल अमाउंट है जो हमने इसके हर मंथ की जो सैलरी है वो
72,000 रुपये जमा हो चुकी है, और टोटल जो इतने भी पैसे हमारे से लिए हैं वो 65,350 रुपये लिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग 6,650 रुपये अब हमारी करंट लायबिलिटी बन चुकी है, लेकिन जब हमने इनका ग्रुप क्रिएट किया था वो अंडर में लोन एंड एडवांसेस कर दिया था। तो अब इसका क्या रहेगा, वापस हम बैलेंस शीट पे जाके देखते हैं। तो बैलेंस शीट में आप देखोगे तो यहाँ पर इनका जो बैलेंस है 6,650 रुपये का, ये आपको लोन एंड एडवांसेज में माइनस में शो करेगा। माइनस में क्यों करेगा, क्योंकि अब ये हमारे लाइबिलिटी का साइड जो मतलब करंट लाइबिलिटीज की साइड है, उस साइड की अमाउंट है जो बन चुकी है, अभी इस साइड में माइनस में शो करेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप इसकी रिवर्स एंट्री हम कर सकते हैं, या फिर आप इसका लोन एंड एडवांसेज का हम यहाँ से ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर गए और इसको करंट लाइबिलिटीज में हम यहाँ पर डाल देंगे, TCS को नॉट एप्लीकेबल करेंगे और इसको हम सेव करेंगे। जैसे हम सेव करेंगे तो आप देख रहे हो जो हमारी लाइबिलिटी बन रही थी वो सुरेश कुमार की, अब ये हमारे पास आ चुकी है लाइबिलिटी साइड में सुरेश कुमार की 6,650 रुपये, और ये हमारा बिल्कुल बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का पार्ट है। यानी कि अब इसका मतलब क्या हो गया, भी अभी ये जो 6,650 रुपये का भुगतान सुरेश कुमार को 31 मार्च 2022 तक करने वाला बकाया रह गया था, ये इस कंपनी की लाइबिलिटी बन चुकी है। लेकिन हम बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे अगर देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सैलरी का अकाउंट है वो 72,000 रुपये पूरे से डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सैलरी है वो तो उसी साल की है, वो तो 12,000 रुपये यानी कि 12 महीनों की 6,000 रुपये के हिसाब से 72,000 रुपये जो हमारा एक्सपेंसेस है कंपनी का वो तो 72,000 रुपये ही रहेगा। लेकिन अब ये नहीं कहेंगे भी 72,000 में से सैलरी आपने कम पे करिए तो आपका खर्चा कम होगा, ऐसा नहीं होगा। सैलरी जितनी आपकी बनती है पर मंथ की, उस हिसाब से 72,000 रुपये उतना का आपका खर्चा माना जाएगा। अब इम्प्लॉय ने आपसे पैसा लिया कितना है, अब मान लीजिए 72,000 रुपये है, अगर 72,000 में से हम यहाँ के दे भी इसके अमाउंट उन्होंने 75,000 रुपये ले ली, तो इसका मतलब 3,000 रुपये इम्प्लॉय ने एडवांस ले लिया। तो एडवांस की कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी बैलेंस शीट रहेगी वो इसमें लोन एंड एडवांस साइड में 3,000 रुपये का जो हमारा बैलेंस है वो एसेट साइड में शो करवाएंगे। अब हमारी ये लाइबिलिटी बनी हुई है क्योंकि अब इसका इतना भुगतान करने वाला बकाया पड़ा है। तो आपने देखा हो भी हम सैलरी पेबल का लेजर क्यों नहीं बनाया, तो सैलरी पेबल का लेजर हमने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि हमने सुरेश कुमार के नाम से क्रिएट कर लिया था लेजर। अब सैलरी पेबल अगर हम यहाँ पर दिखाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा भी सैलरी कितने लोगों की पेबल है। अब मान लीजिए अब आपके पास 5 से 7 इंप्लॉई आपके पास है, 5 में से 3 इंप्लॉई की सैलरी आपकी पेबल रहती है, तो आप सैलरी अगर पेबल दिखाओगे तो उसका नाम भी आपको साथ में बताना पड़ेगा भी इन इन बंदों की सैलरी अभी हमें भुगतान है जो करने वाला बकाया पड़ा है। तो इस कंडीशन में हम इसका प्रैक्टिकल लाइफ की अगर बात करें, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की, तो सैलरी पेबल का लेजर नए बनने के बजाय उसके इंप्लॉय के लेजर के नाम से जो अकाउंट बनेगा उसी का हम ग्रुप है जो करंट लाइबिलिटी दे देते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक देके जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।